दिस इज नॉट अ प्रोसेस, दिस इज अ विच हंट, राइट? एंड इट इज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट विच हंट और नॉट. आई एम वेरी क्लियर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस विच हंट. क्या आपने नोटिस किया कि जिस वे में ज़िलिंगू की सीईओ अंकिती बोस को उनकी ही कंपनी से निकाला गया है, बिल्कुल सिमिलर वे में कुछ महीनों पहले भारत पे की सीईओ अश्लील ग्रोवर को निकाला गया था. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़िलिंगू, जो कि एक टाइम में फैशन मार्केट को डिस्रप्ट कर रहा था, वो क्यों फेल हुआ, इन्वेस्टर्स ने क्या गलतियां करी और क्या एक्चुअल में इन्वेस्टर्स ने ज़िलिंगू को डुबाया है, प्लस इन्वेस्टर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और क्या एक्चुअल में ज़िलिंगू वापस से कमबैक कर पाएगा. वीडियो को आखिर तक देखना, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं. बायजूस, जोमैटो, अनअकैडमी, रेबेल फूड्स, कॉइन स्विच, ओला, ओयो रूम्स, रेजर पे, इन सब में क्या कॉमन है? हाँ भाई, हमको पता है ये सब यूनिकॉर्न्स हैं, पर क्या आपको पता है कि इन सबको सिक्वा कैपिटल ने फंड किया है? तो इंडिया के काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के पीछे सिक्वा कैपिटल ही है, पर पिछले कुछ महीनों में सिक्वा कैपिटल काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ में रही है, क्योंकि उनकी जो कंपनीज हैं जैसे कि भारत पे, ज़िलिंगू, ट्रेल, जेटवर्क, इन पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के आरोप लगे हैं. अभी जो केस स्टडी है ये ऑनलाइन आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ के बेसिस पे बनाया गया है. एक्चुअल में कितना सच है वो ना हमको पता है ना आपको पता है, वो तो यार इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा. अब पहले ज़िलिंगू की बात कर लेते हैं. तो अंकिती बोस पहले सिक्वा कैपिटल में एज ए एनालिस्ट काम करती थी. उनके बॉस थे शैलेंद्र सिंह, जो कि अभी सिक्वा कैपिटल चलाते भी हैं. तो हुआ यूँ कि यार एक बार वो बैंकॉक गई थी और वहाँ पे लोकल मार्केट्स में उन्होंने देखा कि यार बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकल सामान बेच रहे हैं, बिल्कुल आप मानो हमारे सरोजिनी नगर मार्केट की तरह. तो उस टाइम ई कॉमर्स का बूम चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये लोकल सेलर्स को भी तो अपना सामान ऑनलाइन बेचना चाहिए. तो ये आइडिया इंडिया में आकर उन्होंने सिक्वा कैपिटल के साथ डिस्कस किया. इसी बीच एक पार्टी में वो ध्रुव कपूर से मिली, जो कि IIT गुवाहाटी के ग्रेजुएट है और यहाँ में काम करते थे, काफ़ी टेक का एक्सपीरियंस था. तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ध्रुव कपूर के साथ मिलके ज़िलिंगू की शुरुआत करेंगे. और ऐसे 2015 में 23 साल की उम्र में ज़िलिंगू की शुरुआत करी अंकिती बोस और ध्रुव कपूर ने. फंडिंग ऑफकोर्स सिक्वा कैपिटल ने करी. अब इनिशियल एम सिंपल था कि जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोकल ऑफलाइन सेलर्स हैं उनको ऑनलाइन लेके जाना है. और शुरुआत में ग्रो वो अच्छे भी किए, पर धीरे धीरे वो फील्ड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे ई कॉमर्स कंपनीज आने लगे. तो अंकिती बोस को समझ आ गया कि यार क्योंकि इतनी ज़्यादा फंडिंग हो रही है इस फील्ड में प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार जो बिजनेसेस क्लोथिंग इंडस्ट्री में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो उस टाइम में जो फैक्ट्री के ऑपरेशंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ ऑफलाइन लोकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता था. तो अंकिती को लगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं, तो इसको अगर हम टेक के थ्रू डिजिटाइज करेंगे काफ़ी बड़ा डिसरप्शन ला सकते हैं हम इस मार्केट में. तो बेसिकली वो ज़ारा ऑन API बना रहे थे, मतलब कोई भी इंसान या कंपनी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यार्न, फैब्रिक या अप्रैल सोर्स कर सकता था ज़िलिंगू ट्रेड से. फिर ये कपड़े साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, जिनके ऑपरेशंस को डिजिटाइज किया गया ताकि इनकी एफिशिएंसी अच्छे से ट्रैक हो पाए. और इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट मार्केटिंग सोल्यूशन ज़िलिंगू कनेक्ट के थ्रू कर सकते थे. तो बेसिकली कपड़े बेचने से पहले के जो सारे प्रोसेसेस थे वो मैनेज करने लगे. और इसके बेसिस में उन्होंने 2019 में $226 मिलियन की फंडिंग उठाई $970 मिलियन के वैल्यूएशन पे. सब बढ़िया चल रहा था और लग रहा था कि यार अगले राउंड में तो पक्का ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे और बाद में शायद ये अपना IPO भी करें. पर कंपनी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाती क्योंकि इनके प्लान्स तो काफ़ी अच्छे थे, एग्जीक्यूट ये सही से कर नहीं पाते. एक्चुअली जो फैशन और टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है ना, इसको डिजिटाइज करना काफ़ी मुश्किल है. इससे पहले भी कंपनीज ने ट्राई किया, बट एक्चुअल में जो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होती है. तो ये पूरा प्रोसेस को डिजिटाइज करने के लिए इन फैक्ट्री ओनर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत है, जो कि ईजिली इतना कन्विंस नहीं होते अनलेस उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो. और दूसरी तरफ हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है. US वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको 12 हफ्तों में कपड़े चाहिए होते हैं, और जो एशियन कंट्रीज के क्लाइंट्स होते हैं उनको 4 हफ्तों में कपड़े चाहिए होते हैं. तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो नहीं सकती है. और सबसे जो मेन पेन पॉइंट था वो ये था कि यार अगले सीजन में क्या बेचोगे, उसके लिए आपको पहले से फोरकास्ट करके काफ़ी टाइम पहले से ऑर्डर करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर में इतने अच्छे से इंटीग्रेट हो नहीं पाते, तो इसीलिए ज़्यादा कस्टमर ज़िलिंगू को मिल नहीं रहते. तो इसी बीच इन्होंने ये सारे जो क्लोथिंग बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंसिंग में भी मदद करनी शुरू कर दी. और सिर्फ उनका जो ज़िलिंगू फैक्ट्री वाला सेगमेंट था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था. तो लग रहा था कि यार अभी वो फंडिंग रेज करके फाइनली वो फिगर आउट करेंगे कि यार वो किस चीज़ में फोकस करना चाहते हैं. पर इसी बीच पैंडेमिक आ गया और जो पूरे साउथ ईस्ट एशियन के जो फैक्ट्रीज हैं ना उनके ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए. अब जैसे जैसे पैंडेमिक और बढ़ने लगा, फंडिंग भी काफ़ी हद तक कम हो गई. जो इन्वेस्टर्स पहले अपने कंपनीज को बोल रहे थे कि ग्रो एट एनी कॉस्ट,
अब वो बोलने लगे कि यार थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल भी हो जाओ, और ज़िलिंगो भी प्रेशर बढ़ने लगा, उन्होंने अपने US ऑपरेशंस बंद किए, काफ़ी सारे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किए, तब भी वो प्रॉफिटेबिलिटी से काफ़ी दूर थे। अब सिक्योर कैपिटल ने सोचा कि यार लग तो नहीं रहा कि ज़िलिंगो प्रॉफिटेबल हो पाएगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे सिक्योर बैक B2B मार्केटप्लेस मॉगलिक्स के साथ ज़िलिंगो का मर्जर कर दें। अब ये चीज़ अंकिती बोस ने मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। फाइनली 2021 के राउंड सिक्योर कैपिटल और दूसरे इन्वेस्टर्स को समझ आया कि जब तक अंकिती बोस को CEO पोजीशन से नहीं हटाएंगे तब तक ये मर्जर पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने अंकिती बोस को बोला भी कि यार अभी एक प्रोफेशनल CEO लेके आते हैं, क्योंकि तुमसे तो यार कंपनी संभल नहीं रही। अगेन अंकिती बोस ने मना किया, क्योंकि यार पिछले 7 साल से वो कंपनी को चला रही थी, तो उनके हिसाब से एक और फंडिंग के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है ज़िलिंगो का। पर ये बातचीत सिक्योर कैपिटल और ज़िलिंगो के बीच में चलती रही, कोई डील हो नहीं पाई, और फाइनली 2022 में इन्वेस्टर्स ने अंकिती बोस को बोला कि यार एक एम्प्लॉय ने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करी है कि ज़िलिंगो जो अपना रेवेन्यू डिस्क्लोज करता है वो एक्चुअल में उतना रेवेन्यू है नहीं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और अंकिती बोस को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 1 महीने पहले अंकिती बोस को बताया गया कि यार उनको फायर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगा अंकिती बोस के ऊपर, वो एक्चुअल में इशू क्या था? तो इसमें भी 2-3 चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला इशू था अकाउंटिंग के रिलेटेड। तो मान लो ज़िलिंगो पे कोई 100 रुपये का सामान खरीदता है, अब उस पर ज़िलिंगो का मार्जिन 10% यानी 10 रुपये का है। अब ज़िलिंगो अगर 4% का डिस्काउंट देती है तो एक्चुअल में ज़िलिंगो का रेवेन्यू 6 रुपये होगा कि 10 रुपये? आप बोलोगे अगर 4% डिस्काउंट दे दिया तो भैया 6 रुपये ही रेवेन्यू होगा ना, पर नहीं, एक्चुअल में जो ज़िलिंगो ये जो मार्केटिंग और ये जो डिस्काउंट्स है उसको एज रेवेन्यू में काउंट करता था और 10 रुपये रेवेन्यू दिखाता था। अभी ज़िलिंगो नहीं, दूसरे ई कॉमर्स कंपनीज भी करती हैं और ये यूजुअली इन्वेस्टर्स को पता ही होता है। दूसरा इशू ये था कि यार उन्होंने एक एल्गो लीगल नाम की कंपनी जो कि उनका लीगल का सारा काम देखती थी, उनको 68 करोड़ की पेमेंट करी थी। तो इन्वेस्टर्स का कहना था कि भैया इतना ज़्यादा क्या काम करवा लिया कि 68 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ी। इंटरेस्टिंग बात यह कि यार एल्गो लीगल भी एक एक्स सिक्योर के एम्प्लॉय ने शुरू किया था, और एक्चुअल में आरोप ये है कि सिक्योर ने अपने सारे कंपनीज को रिकमेंड किया था कि आप एल्गो लीगल की सर्विसेज यूज़ करो। इंटरेस्टिंग बात यह कि यार इस झोल के बारे में तब पता चला जब एक और सिक्योर बैग कंपनी जेटवर्क में ED ने रेड मारी, और तब पता चला कि यार लीगल अकाउंटिंग में कोई दिक्कत है, और उसके बाद सिक्योर ने अपनी कंपनीज को मना किया एल्गो लीगल की सर्विसेज यूज करने के लिए। अब यार पहले अगर सिक्योर ने रिकमेंड किया था तो इसमें अंकिती बोस की थोड़ी गलती है भाई, मेरी गलती है। तीसरा जो मेन पंगा था वो ये कि यार 2019 में जब उन्होंने लास्ट फंडिंग राउंड रेज किया था उसके बाद उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फाइल ही नहीं किए। अब 2018-19 में उनका 132 मिलियन का रेवेन्यू था पर 322 मिलियन का लॉसेस था। पर सवाल ये आता है कि माना कि अनलिस्टेड कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइल करने में डिले करती हैं, पर अगर इतने टाइम तक फाइनेंशियल रिजल्ट्स वो फाइल नहीं कर रहे थे, अभी तक इन्वेस्टर्स कहाँ बैठे थे? इंटरेस्टिंग बात ये कि 2019 में जो सिटी बैंक का उन्होंने CFO हायर किया था उसने 1 साल बाद क्विट कर दिया, उसके बाद जो दूसरा CFO आया उसने 3 महीने में क्विट कर दिया। तो शायद कुछ कंपनी में फाइनेंशियल झोल हुआ होगा जिसको ये CFO साइन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो क्विट कर रहे हैं। पर अभी तक 2 साल तक इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में क्यों नहीं पूछा, ये भी एक सवाल आता है। अब यार एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो यार डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे जब भी कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, और बोर्ड में सारे बड़े इन्वेस्टर्स चाहे सिक्योर कैपिटल टेमासेक इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनको एक्चुअल में पता होता है कि यार कंपनी के पास कितने पैसे हैं, कितना लॉस चल रहा है, क्या एक्चुअल में कंपनीज कर रही है, क्या ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है, क्या दिक्कत है। अगर प्रॉब्लम था तो अभी तक ये किसका वेट कर रहे थे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अंकिती बोस को निकाला गया तब ज़िलिंगो के बोर्ड में जो सिक्योर के रिप्रेजेंटेटिव थे और टेमासेक के रिप्रेजेंटेटिव थे इन सब ने भी रिजाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता था कि यार कंपनी में कुछ झोल हो रहा है, और अगर पता था तो इन्होंने अब तक डिस्क्लोज क्यों नहीं हुआ? अब अगर आप अश्नीर ग्रोवर या अंकिती बोस का साइड देखोगे दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। ऑफकोर्स सिक्योर तो कॉमन इन्वेस्टर है, पहला जो सिमिलैरिटी है वो ये कि यार जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का एलिगेशन लगा है दोनों CEO का कहना है कि यार ये वाले जो कंसर्न्स है हमसे कभी पूछा नहीं गया, हमको कभी रिप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया, इनफैक्ट ना कि हमको एग्जैक्ट डिटेल भेजा गया है ना कि हमारी ये बात सुन रहे हैं। But do you today acknowledge that there might have been irregularities at the company that require redressal, that require course correction, that require review? Do you today acknowledge that? Forget the leaks. I'm asking you whether you today acknowledge whether there was anything wrong, there were any wrongdoings, any irregularities at the company? Absolutely, absolutely not. दूसरा इन दोनों का कहना है कि यार ये एक्चुअल में एक पूरा विच हंट हो रहा है
जिसमें सारी गलतियों का ब्लेम सीईओ पे डाला जा रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे सारे डिसीजन ये सीईओ बिना किसी के अप्रूवल सबसे छुपा के लेते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोसेस, दिस इज अ विच हंट। तीसरा चीज ये है कि यार ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके सारे डिटेल्स मीडिया में लीक कर दिए जा रहा है, जिससे कि इन सीईओ पे और ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है और फिर इनको थ्रेटन भी किया जा रहा है। इवन इफ यू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन और यू हैव अ डिस्कनेक्ट विद समवन, राइट, सिट डाउन एंड थ्रैश इट आउट। यू कांट बी रनिंग अ प्रोसेस, राइट, व्हिच इज सपोजिटली अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, राइट, बट एवरीथिंग गेट्स लीक्ड। अब एक्चुअल में यार क्या कहानी है वो तो वक्त ही बताएगा। इनफैक्ट ये भी खबर आई थी कि यार अंकित बोस और ध्रुव कपूर के बीच में भी लड़ाई हो गई थी कि यार कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। पर अब एक तरफ जहाँ पे इन्वेस्टर्स कंपनी को लिक्विडेट करना चाहते हैं, इसका मतलब जो भी इनके एसेट्स को बेच के कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं, पर अभी रिपोर्ट आई है कि यार अंकित बोस, ध्रुव कपूर ये सब मिलके कंपनी को बायआउट करना चाहते हैं और इनका कहना है कि एक और इन्वेस्टर है जो कि $8 million इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और फिर ये सिर्फ कंपनी के कोर में फोकस करेंगे और इनका कहना है कि कंपनी अगर सही से फोकस करेगी एक साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट मेन जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यार ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनका स्टेक इन कंपनीज में ज़्यादा होता है फाउंडर्स से, सारे बड़े डिसीजन इनके अप्रूवल के बाद ही होता है। तो जब कंपनी डूबती है कोई इन्वेस्टर से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता, और अगर कुछ फ्रॉड के एलिगेशन लगते हैं तो इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता कि यार क्या इनको पता था, क्या इन्होंने हेल्प करी, ये सारी चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ यार स्टार्टअप एक बहुत रिस्की फील्ड है, 90% स्टार्टअप फेल होते हैं, तो जो फेल हुआ ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए इनके सीईओस को ऐसे थ्रेटन नहीं करना चाहिए। और अगर एक्चुअल में फ्रॉड हुआ है तो जो भी सीनियर टीम मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओस हैं, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना, ताकि एक्चुअल में रियलिटी पता चले। और यूजुअली ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बाद सीईओ को तो फायर कर दिया जाता है, बट एक्चुअल में उस इन्वेस्टिगेशन का आउटपुट क्या आता है, एक्चुअल में क्या फ्रॉड आता है, वो कभी एक्चुअल में बाहर आता नहीं है। तो क्या मतलब ये पूरा प्रोसेस करने का एक ही एम था कि यार सीईओ को बाहर करके इन्वेस्टर अपने हिसाब से कंपनी को चलाए या बेचे, वो तो यार टाइम ही बताएगा। अश्विन ग्रोवर तो लग रहा है कि अब अपना नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक वो शायद $200 से $300 million की फंडिंग रेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ सिक्योर कैपिटल जो कि $2.8 billion रेज कर रहा था इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उन्होंने अपना भी फंडिंग राउंड रोक दिया है और उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि आज ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इन सारी चीज़ों पे वो और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यार ये जो ज़िलिंगो फेल हुआ है क्या सारी गलती अंकित बोस की थी या गलतियाँ इन्वेस्टर्स की भी थी, और आपके हिसाब से क्यों ये इन्वेस्टर्स कंपनी को बंद करना चाहते हैं जबकि उनके फाउंडर्स कंपनी को खरीद के खुद से चलाना चाहते हैं। तो अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल हर एक स्टार्टअप फाउंडर को इन्वेस्टमेंट तो रेज करनी होती है, पर इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद जो एक्चुअल में जो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जो एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टमेंट रेज करने से पहले ये सारी चीज़ों का भी ध्यान जरूर रखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।